नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं ये मेजा प्रयागराज के भटौती गांव में लगे जल निगम का शिलान्यास बोर्ड है। जनता की परेशानी को देखते हुए पूर्व विधायक दामा पांडे जी ने तो योजना को पास कर दिया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से ये पेयजल योजना ठप पड़ी है। आप लोग देख सकते हैं शिलान्यास बोर्ड पर 3,13,00,000 की ये योजना है। क्या है पूरा मामला, आप लोग खुद ही देखें और समझें। क्या समस्या है आप लोगों की? अब ये 2016 से चालू कर दिए हैं हम लोग, जल पिला रहे हैं, गांव समाज सेवा कर रहे हैं, पर यहाँ के कोई सरकारी कानून कायदे, मतलब यहाँ का कोई देख रेख नहीं कर रहे हैं। फ्री पानी पिला रहे हैं, 50 रुपये एक बार अनुदान मांगे थे, आज तक कोई दे भी नहीं पाया। जब यहाँ कानूनी व्यवस्था ही नहीं सही है, 2 बोर आज साल भर से 2 बोर बंद हैं, और 1 बोर चल भी रहा है तो उसका स्टार्टर जो है खराब है, फिर भी हम लोग जबरदस्ती 1,00,000। यहाँ समस्या क्या होती है? समस्या ये है कि न तो पुराना प्रधान ध्यान दिया और न तो नया प्रधान ध्यान दिया, हम लोग फिर भी जबरदस्ती पानी पिला रहे हैं जी। 2 बोर आज साल भर से गड़बड़ हैं। कंप्लेन पुराने प्रधान को भी दिए, नए प्रधान को भी दिए, BDO साहब को दिए, JE साहब को भी दिए, मतलब कोई जब ये कंप्लेन देते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, कोरोना का चल रहा है, मतलब यही मतलब सब। कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई कार्रवाई तो मान प्रधान ने पूर्व प्रधान कोई कार्रवाई नहीं। और पानी के लिए काफी यहाँ व्यवस्था सही नहीं है, सही नहीं है, एक बोर चल रहा है, लाइट अपने यहाँ जो है आती है कटती रहती है। आपका नाम? गिरिजेश मिश्रा। आपका नाम? प्रदीप धोनी। आपका जी? ये बताइए किस विभाग से बना था, अब कब बना था? ये जलकर विभाग से बना था 2015 में जी, इसका निर्माण हुआ था जी। हमारे यहाँ के पूर्व विधायक दिए थे यहाँ गिरीश चंद गामा पांडे जी, उनके आधार से बना था, मतलब कई लोग हमारे गांव के सपोर्टर थे उस समय। आज उनका भी कुछ सुना नहीं जा रहा है, मतलब जब सरकारी कानूनी का नहीं लिए है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है जमीन यहाँ है। दोनों बोर गड़बड़ है आज साल भर से, पिछले भी प्रधान से बोले वो भी नहीं कर पाए, न तो नए प्रधान ही कर पाए, मतलब आपका कहना ये है न वर्तमान प्रधान न पूर्व प्रधान, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। समस्या आप लोग फिर भी संघर्ष के साथ चला रहे हैं। और देखिए इधर देखिए, इधर पूरा पैनल इधर का कुछ कम यहाँ बराबर होती है। अब चोरी इसलिए हो रही है कि जब कुछ मिल नहीं रहा है, अब सब परिवार वाले हैं हम लोग जी, परिवार वाले हैं भाई, कहीं बच्चा परेशान तो कहीं हम खुद परेशान, इसके वजह से यहाँ समय नहीं दे पा रहे हैं, 1 रुपया मिल भी नहीं रहा। चोरी क्या क्या हुई है? चोरी यही पैनल हुआ है, चोरी हुआ है यहाँ, और तो ऐसा पूरा वायर इसका जो है पैनल का पूरा वायर कट कर दिए हैं यहाँ के, मतलब चोर लोग, यहाँ के बदमाश लोग। अब किसका नाम ले, हमको पता नहीं, हम लोग अब पैसे मांगते हैं तो क्या होता है? पैसे मांगने पे अब यही सब आजकल बताते हैं, और कोई देता भी नहीं है, कोई गाली देता है, जो जैसा मतलब बरियार है वो गाली देगा, मांग रहे हैं, जबकि ये सब जान रहे हैं। पैसा किसे मांगते हैं आप लोग? जिसके जिसके यहाँ नल लगा है, जहाँ कनेक्शन लगा हुआ है वहाँ जाते हैं हम लोग की 85 रुपये एक बार दे दीजिए। आप लोगों ने प्रधान शिकायत की? शिकायत किए, कई बार किए, यहाँ का प्रधान अपने बच्चे का जो है नामकरण करवाया था, पूर्व प्रधान, पहले वाला प्रधान, उसके वजह से वो काम नहीं किया कि हम लोग उसके बच्चे का नाम इसमें नहीं ऐड होने दिए, कि भाई हम लोग जमीन दिए हैं तो हम लोग सर्विस भी करेंगे जी। हाँ, जब नहीं लिए हैं इसके वजह से उससे भी वाद विवाद हुआ हम लोगों का, पर वो अब वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इस समय वर्तमान में प्रधान है नहीं, अभी हम लोग खुद प्रधान जो है अपना नया चुने हैं, और उसके पास जाते भी हैं तो आदमी बोलता है कि करेंगे काम। आप लोगों की सुनवाई कोई नहीं करता, मतलब यही कहना है। हाँ, न प्रशासन न यहाँ के जनप्रतिनिधि, कोई नहीं, कोई नहीं करता, कोई नहीं है,
तहसील में आपने कभी एप्लीकेशन दिया है? ये है और थाने में ये है। वो पाइप वाइप फोड़ दिए थे, थाने में जाकर मैंने कंप्लेंट किया तो उसकी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर पाइप फोड़ दिए थे, उसकी कुछ भी सुनवाई नहीं। आपको प्रशासन भी कोई कुछ भी कुछ भी हम रिक्स लिए थे बोले थे तो दो चार लड़के हमको कोनिया पे मिल के मारे भी पाइप फोड़ दिए थे। यहाँ वहाँ से चौकी वाले कोई आया नहीं। आपने क्यों फोन किया? साल भर पहले उसको बोला था तो हमको मारा था। हम लोग कंप्लेन करना ही बंद कर दिया कि मार खाए कंप्लेन करें। कंप्लेन आने वाला है नहीं। और सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं दी गई है, कोई संचालक सही नहीं है। पर जेई साहब को स्वयं कंप्लेन दिए, ओ यही बोलते हैं कि अभी कोरोना है, मैं बीमार हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, मतलब दुनियादारी हम लोगों को चूती है। जेई है जेई इस समय नहीं, यहाँ का जब कारोबार शुरू हुआ तो उस समय बिना जेई थे। उनसे हम लोग कई बार रिक्वेस्ट किए पर वो हमको बहाना ही मार के, मतलब हम लोगों को एकदम गंवार जैसा समझ के। इन लोगों का ये समस्या है कि इन ये किसी भी प्रकार से सहायता नहीं किया, नहीं दी जाए। अगर व्यवस्था है ना, प्रशासन से मिलता है ना जनप्रतिनिधि से मिलता है, किसी से इनको सहारा नहीं मिलता है। कोई इनकी मूल समस्या यही है और जिसके कारण जन यहाँ के जो जन है लोकल है, जब हम लोगों को पानी की समस्या हो रही है तो हम लोग यहाँ रहें भी, समय भी दें भाई, पूरा समय देंगे और बरोबर चलाएंगे। सुविधा नहीं है कौन, और जब वो रही गड़बड़ चल रहे हैं तो हम लोग कितना पानी ही दें। यहाँ रहने के लिए लाइट भी नहीं है, यहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। सोलर पैनल जो लगे हैं नहीं, खाली यहाँ बैटरी वैटरी कुछ नहीं दी है, खाली सोलर पैनल लगा दिए। केवल सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग किया गया है, दुरुपयोग किया गया। सरकार के द्वारा हर सुविधा दी गई लेकिन कोई संचालक सही न मिलने की वजह से ये कार्य अभी तक स्थगित है, किसी कार्य का समापन ढंग से नहीं हो पा रहा है। कोई संचालक